जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, इसका नाम है रियलमी 8 और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR अनबॉक्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी 8 में रियलमी UI 3.0 प्लस एंड्रॉइड 12 अपडेट के बाद मिलने वाले गेमिंग फीचर्स के बारे में। दोस्तों, एक ऐसा गेमिंग फीचर जिसका आप लोगों को रियलमी 8 में सबसे ज्यादा इंतजार था, फाइनली वो भी आपको मिल चुका है। कौन सा फीचर है, कैसे यूज करना है, कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको अपने Realme 8 का अबाउट सेक्शन चेक करवा देता हूं। यहां पे आप लोग नोटिस करेंगे, हमने अपने Realme 8 में Realme UI 3.0 प्लस Android 12 का बीटा वर्जन इंस्टॉल कर लिया है। सॉफ्टवेयर वर्जन की बात करें जो कि है C.04। बाकी मैं आपको बता दूं कि Realme UI 2.0 में आपको गेमिंग के लिए जितने फीचर्स मिलते थे उसके लिए एक एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाता था जो होता था गेम स्पेस। बट Realme UI 3.0 के बाद गेम स्पेस को रिप्लेस करके गेम्स नाम से एक एप्लीकेशन आपको दिया गया है। गेम्स एप्लीकेशन के दोस्तों कंप्लीट डिटेल या फीचर्स बताने से पहले एक बार मैं आपको इसका वर्जन चेक करवा देता हूं, देन आप लोग नोटिस करेंगे कि इसका वर्जन है 3.1.1। बाकी मैं आपको बता दूं कि Realme UI 2.0 में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, बट बहुत सारे फीचर्स वहां पे वर्क नहीं करते। बाकी आप Realme UI 3.0 के अपडेट के बाद जैसे गेम्स एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आप लोग देखेंगे कि आपको यहां पे कोई एनिमेशन तो शो नहीं होता, कुछ इस तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जितने भी गेम्स आपके फोन में होंगे जो आपने इस गेम्स एप्लीकेशन में ऐड किए होंगे, कुछ इस तरह से आपको शो हो जाएंगे। आप तो 3 डॉट पे टाइप करके इसका जो लेआउट है उसको भी चेंज कर पाएंगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ नीचे की साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, माई गेम्स, एक्सप्लोर और रिव्यूज का। माई गेम्स में वही गेम्स होंगे जो आपके फोन में इंस्टॉल है, एक्सप्लोर में जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग गेम्स की आपको कुछ न्यूज शो हो जाएगी, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज भी कर पाएंगे। रिव्यूज में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी गेम आप खेलते हैं, जो पॉपुलर गेम्स हैं, उनके लोगों के क्या रिव्यूज हैं, क्या फीडबैक है उस गेम्स को लेके, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिर से आते हैं माई गेम्स में, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपको अलग अलग तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला आपको मिल जाता है नोटिफिकेशंस का, आप यहाँ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है, अगर आपने कोई रिव्यू वगैरह दिया है, उसको कोई लाइक किया है या कोई मैसेज आते हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है गेम कैप्चर का, आपने गेमिंग के टाइम पे जो भी गेम को अपने गेम्स एप्लीकेशन में ऐड किया है वहां से कोई स्क्रीन शॉट कैप्चर करते हैं या कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कैप्चर करते हैं, देन आपका वो जो कंप्लीट डेटा है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। बाकी हम बात करते हैं दोस्तों 3 डॉट पे, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपको गेमिंग डेटा भी मिल जाता है। गेमिंग डेटा पे आप टाइप करेंगे पता चल जाएगा कि आपने कौन से गेम को किस दिन कितने टाइम तक यूज किया, यानी गेम प्ले किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे गेम्स को ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। लास्ट में आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिलता है स्विच का। लास्ट में आप लोग नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स का। आप सेटिंग जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे सबसे टॉप पे ही आपको गेम टूल किट शो हो जाएगा। सिंपली सबसे पहले आपको इनेबल कर लेना है, इसके अलावा आपको कुछ अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, वो ज्यादा आपके लिए यूजफुल नहीं है। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ब्राइटनेस लॉक वगैरह के ऑप्शन है। बट अब सबसे मैं आपको जो मेन चीज है गेम टूल किट उसके बारे में बताता हूँ। गेम टूल किट को गेम्स ऐप से इनेबल करने के बाद आप अपने डिस्प्ले के लेफ्ट साइड टॉप से जैसे ही राइट साइड में स्वाइप करेंगे यहाँ पे आपको नया गेम टूल किट शो हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर टॉप पे आपको क्लॉक, डिवाइस का टेम्परेचर और आपके डिवाइस में कितने परसेंट बैटरी है वो आपको शो हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ एप्लीकेशन के ही एक्सेस मिल जाते हैं एज अ फ्लोटिंग विंडो। हमारे फोन में अभी मैसेंजर और डिस्कॉर्ड नहीं इंस्टॉल है इसलिए हम उसको ओपन नहीं कर सकते, व्हाट्सएप को आप यहाँ से ओपन कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलता है परफॉर्मेंस बैलेंस मोड का, आप इस पर जैसे ही टैप करेंगे आप लोग नोटिस कर पाएंगे कि आपको अलग अलग मोड मिल जाएंगे। गेम मोड मिलता है, बैलेंस मोड मिलता है, लो पावर मोड आपको प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक गेम फोकस मोड भी मिलता है। अगर आप इसको इनेबल करते हो आपके फोन के जितने भी नोटिफिकेशन हैं, जेस्चर हैं, सेटिंग्स हैं, सारी चीजें ब्लॉक हो जाएंगी, कॉल्स, अलार्म, और आपका जो मेन फोकस होगा आपके गेमिंग पे होगा ताकि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन की, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपके गेमिंग के टाइम पे नोटिफिकेशन फोन में आते हैं तो किस तरह से आपको शो हो। यहाँ पे आपको नीचे ब्राइटनेस एडजस्ट करने का भी ऑप्शन आ जाता है, आपको कंट्रोल पैनल को ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ ओरिएंटेशन को लॉक कर सकते हैं कि आपकी डिवाइस रोटेट ना हो। सिस्टम का स्टेटस भी जान सकते हैं जहां से आप FPS, GPU और CPU कितना परसेंट यूज हो रहा है गेमिंग के टाइम पे, वो भी आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप लोग नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको वॉइस चेंजर का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। वॉइस चेंजर में आप नोटिस करेंगे टाइप करने के बाद आपको अलग अलग 5 टाइप की वॉइसेज मिलती है। सेटिंग में जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको वॉइस चेंजर के फीडबैक को इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और जो आपकी वॉइस टाइप है डीप हो या हाई हो आप अपने अकॉर्डिंग उसको भी कस्टमाइज कर पाएंगे। बाकी किस टाइप से वर्क करता है मैं आपको यहां से दिखाता हूं।
वॉइस चेंजर प्रीव्यू के लिए दोस्तों आप जैसे ही वॉइस चेंजर पे टाइप करेंगे नीचे आपको एक माइक की बटन मिल जाएगी। इसको प्रेस करने के बाद आप जो भी बोलेंगे अपनी वॉइस कैटेगरी को भी सिलेक्ट करने के बाद वो चीज रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद आप जैसे ही रिलीज करेंगे आपको वहाँ पे सुनाई देगा कि गेम प्ले के टाइम पे जो वॉइस चेंज होगी किस तरह से वहाँ पे आपको साउंड आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक प्रीव्यू सिलेक्ट कर लिया, मैं आपको सुनाता हूँ कि किस टाइप से साउंड आता है। बाकी दोस्तों इस वॉइस चेंजर को हमने गेम प्ले में भी यूज किया है, बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है। सामने वाले बंदे को भी एकदम क्लियर आपकी जो वॉइस चेंज होकर वॉइस जाती है वो अच्छे से सुनाई दे जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि आप गेमिंग के टाइम पे कुछ सिलेक्टेड एप्लीकेशंस को भी यूज कर पाएंगे एज अ फ्लोटिंग विंडो। यहाँ पे हमने इंस्टाग्राम भी यूज किया हुआ है बट इंस्टाग्राम गेमिंग के टाइम पे वर्क नहीं करता, बट गूगल क्रोम में हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं गूगल क्रोम पे टाइप करूंगा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हम गेमिंग भी कर सकते हैं साथ ही साथ गूगल क्रोम को भी एक्सेस कर पाएंगे। बाकी एक सबसे मुझे अच्छी चीज लगी कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि एक आपको विंडो भी बन जाता है, गेम के टाइम पे वो हट जाएगा बट आपको फिर से जब भी कोई रिक्वायरमेंट हो आप उस पर जैसे टाइप करेंगे आपका जो एप्लीकेशन है आपने जो फ्लोटिंग विंडो में यूज किया था वो आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट में, यहाँ पे आपको एक एडिट बटन मिल जाती है। इस एडिट बटन के थ्रू आपको जो भी ऑप्शन एड करने हो या रिमूव करने हो सिंपली आप यहाँ से कर सकते हैं। आप लोग देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं एड करने के लिए, साथ ही साथ जितने भी आपके फोन में एप्लीकेशन है उनके शॉर्टकट है सबको आप यहीं से एड करके एक्सेस कर पाएंगे। एक चीज और दोस्तों कि आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या Realme 8 में Realme UI 3.0 के अपडेट के बाद ग्राफिक सेटिंग में कोई चेंजेज होते हैं या नहीं। फिर मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ कि आप लोग देखेंगे कि जो ग्राफिक सेटिंग आपको पहले मिलती थी Realme UI 2.0 में सेम टू सेम अभी भी आपको वही ग्राफिक सेटिंग Realme UI 3.0 में प्रोवाइड की गई, यानी आप अभी भी 40 FPS में ही Realme 8 में गेमिंग कर पाएंगे। यहाँ पे 60 और 90 FPS को इनेबल नहीं किया गया है। दोस्तों Realme 8 में Realme UI 3.0 प्लस Android 12 के अपडेट के बाद गेमिंग के जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताए उनमें से कौन सा फीचर आपको यूजफुल और इंटरेस्टिंग लगा और कौन सा ऐसा फीचर जो कि अभी भी आपको मिसिंग लगता है आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद।